यवतमाल जिले के दीगरा शहर का पालिका प्रशासन अपनी लापरवाही और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते फिर से सुर्खियों में है। विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधा के नाम पर यहां लाखों रुपयों की लागत से लगाए गए उपकरण या तो बंद पड़े हुए या फिर उनका कहीं कोई अता पता ही नहीं। पेश दीगरा नगर पालिका प्रशासन की भ्रष्ट कार्यप्रणाली और लापरवाही को उजागर करती जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रज शहर इन दिनों मानो विचित्र वस्तुओं से भरे किसी अजायब घर में तब्दील हो चुका है। यहाँ आर्नी बायपास पुल पर अदृश्य वाटर एटीएम है, वहीं यहाँ आर्नी रोड पर पुराने पुल के करीब बैल बाजार परिसर में सांडपानी प्रक्रिया प्रकल्प अर्थात गंदे पानी के प्रक्रिया परियोजना का बंद पड़ा हुआ भारी भरकम विचित्र उपकरण भी है। वो किस काम आता है यह पता करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको बता दें कि वाटर एटीएम का जो फलक यहां लगा है उस पर वाटर एटीएम के लिए लगी लागत 6,76,163 रुपए दर्ज है। वहीं इसका ठेका लेने वाले अमरावती के A2Z ट्रेडर्स का नाम भी यहां लिखा है। इसके अलावा यहाँ ठंडे पानी की सुविधा के साथ ही शुद्धिकरण परियोजना और वाटर एटीएम शेड के निर्माण की जानकारी भी दर्ज है। खास बात यह है कि यहाँ दूर दूर तक न तो कोई जल शुद्धिकरण उपकरण है और न ही वाटर एटीएम है। मालूम हो कि इसी तरह से शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर डंपिंग यार्ड में स्थित गांडुड़ खत प्रकल्प अर्थात केचुआ खाद परियोजना की इमारत सालों पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। इसी तरह से पुराने बैल बाजार में लगा भारी भरकम उपकरण कथित रूप से गंदे पानी पर प्रक्रिया के लिए यहां लगाया तो गया है, लेकिन असल में यह बंद पड़ा हुआ है या यूं कहें कि कभी शुरू ही नहीं हुआ था। इस विचित्र वस्तु के पास भी इसका विवरण साफ लिखा है। यह प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत 41 लाख की लागत से निर्मित इस परियोजना का ठेका आइडियल सिस्टम्स एंड सर्विसेस पुणे नामक कंपनी का है, जिसने कथित रूप से यह काम 3 सितंबर 2020 को शुरू किया था और 2 दिसंबर 2020 को इसे पूरा किया गया था। साथ ही इस परियोजना की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, ऐसा भी यहां खुलासा हुआ है। लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए पालिका प्रशासन द्वारा कोई भी पुख्ता पहल कभी भी नहीं की गई। कुल मिलाकर बात यह है कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर शहर की जनता के हित और जनसुविधा का दिखावा करते हुए बंद पड़े उपकरण लगाकर लाखों रुपयों को धुएं में उड़ा दिया गया है। इस पूरे क्रियाकलाप में भ्रष्टाचार की आशंका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लाखों रुपयों की लागत वाले बंद पड़े यह उपकरण शासन प्रशासन में शामिल उन शातिर खिलाड़ियों के खिलौने हैं जो विकास के नाम पर लोगों को ठगने और खुद की जेब भरने के खेल में माहिर है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।